हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एमडी। और आज हम बात करेंगे, सैमसंग ने टीवी एक लॉन्च किया है जो कि कुछ यूनिक है, कुछ न्यूली मतलब अजीब सा इनोवेशन है। आप देखोगे बोलोगे तो यार मतलब कमाल का है ये। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस तरह का इनोवेशन या इस तरह का टीवी आपने देखा ही नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये मत पूछना वैसा क्यों है वैसा क्यों है, बट ये जो टीवी है ना, सबसे पहले मैं बता दूँ, टीवी का जो नाम रखा है सैमसंग वालों ने, वो रखा है दी सीरो। अब सीरो का मीन्स क्या होता है ये तो पता नहीं, सीरो बिकॉज ये एक कोरियन लैंग्वेज में है, तो कोरियन में कुछ होगा मतलब, खैर उसको तो जानना नहीं है। अब मेन फोकस है हमारा टीवी। तो टीवी का जो स्क्रीन है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो हॉरिजेंटल में देख रहे थे स्क्रीन, बट ये जो टीवी है ये दो तरफ से काम करता है, यानी कि एक आप इसको चाहो तो हॉरिजेंटल भी देख सकते हो और आप इसे वर्टिकल भी देख सकते हो, जैसे मोबाइल का स्क्रीन होता है हमारा। तो टीवी काफ़ी कमाल का है और रिमोट से ये ऑटोमेटिक ऐसे भी घूमता है, इधर से भी घूमता है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये वीडियो आप देख लो, काफ़ी कमाल का है। और हाँ, प्राइस अभी नहीं बताऊँगा, प्राइस आपको लास्ट में बताऊँगा और सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो भी मैं बताऊँगा। और ये जो टीवी है ये QLED में है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में है, तो पिक्चर क्वालिटी वगैरह आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ा सा सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो ज़रूर करें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, ताकि मैं वीडियो आगे भी अपलोड करता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा वीडियो? कुछ है ना अजीब सा, अजीब सा नहीं बोलेंगे, कुछ नया है, क्रिएटिव है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ये एक्चुअली। तो जिन लोगों मतलब जो लोग थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ें अगर पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनके लिए तो ये ज़बरदस्त का है, यानी कि काफ़ी कमाल की चीज़ है ये। और इसका आपने स्टैंड भी देख लिया, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्या, और साउंड वगैरह उसी में से आ रहा है, तो साउंड वगैरह भी काफ़ी कमाल का है। अब मैं बता दूँ कि ये टीवी कौन से साइज़ में है। ये जो टीवी आएगा 43 इंच का सेगमेंट में आएगा, और इसका जो स्क्रीन है ये क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यानी कि QLED स्क्रीन पे है। तो इसका जो स्क्रीन लाइफ है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये टीवी लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करके, अगर इतना महंगा और इतना प्रीमियम सेगमेंट अगर आप परचेज कर रहे हो, तो इसका लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा भी। इसकी स्क्रीन पर आपको जो है नो बर्निंग स्क्रीन वारंटी 10 ईयर्स की मिलती है सैमसंग की तरफ से, कंप्लीट वारंटी 1 साल की मिलती है। अब मैं बात कर लूँ कि 43 इंच के सेगमेंट में अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। पहला फीचर्स मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको QLED के जैसे एम्बिएंट मोड भी मिल जाएगा। तो एम्बिएंट मोड में होता क्या है कि आप अगर स्क्रीन बंद करते हो, यानी कि टीवी जब आप ऑफ करोगे, तो आपके जो वॉल का जो बैकग्राउंड है उस पर ये टीवी का जो स्क्रीन है ये अडॉप्ट कर लेगा। ये हो गया पहला। देन उसके बाद में आपको अगर दूसरा फीचर्स आपको बताऊं, तो इसमें दूसरा फीचर्स आपको रहेगा, इसका जो यूज़र इंटरफेस है कंप्लीट सैमसंग के जैसा मिलेगा, जो टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। तो वो बाकी के सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, जैसे सारे प्रीमियम सेगमेंट और स्मार्ट टीवी में आपको मिलते हैं एप्लीकेशन, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजोन, बाकी सारे एप्लीकेशन कंटेंट इसमें मिल जाएंगे। और सैमसंग के जो फीचर्स हैं, अनबॉक्स मैजिक फीचर्स 7-in-1 वो भी आपको इसमें मिल जाता है, लाइक जैसे बिक्सबी और अमेज़ॉन अलेक्सा वॉइस कमांड के साथ, यूनिवर्सल रिमोट, ब्लूटूथ, और बाकी के अनबॉक्स मैजिक फीचर्स जो है लाइक पर्सनल कंप्यूटर, लाइव कास्ट, म्यूज़िक ट्रेन स्टेशन, तो ये सारे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है साथ ही साथ।
अब बात करूं मैं कि ये टीवी में अब और क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन पे कि जब आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, यानी कि जब आप मूवीज़ या फिर सिनेमा आप देखोगे, तो वो हॉरिजेंटली काम करेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि वर्टिकली में, तो मोबाइल का स्क्रीन अगर आपको कनेक्ट करके यूज़ करना है, तो उस टाइम पे ये कमाल का एक्सपीरियंस देगा ये टीवी आपको। क्योंकि जैसा हमारे फ़ोन का स्क्रीन होता है ना वर्टिकल, वैसे ही टीवी का स्क्रीन हो जाएगा वर्टिकल। तो जब हम अपने मोबाइल का डिस्प्ले कास्ट करते हैं टीवी पे, तो आप देखते हो कि छोटे स्क्रीन में आता है, सिर्फ जब हम वीडियो कास्ट करते हैं तब वो हॉरिजेंटल में आता है। तो आप चाहोगे अगर वर्टिकल में एक्सपीरियंस करना है टीवी के स्क्रीन को, तो ये टीवी तो कमाल का आएगा फ़ोन के साथ जब आप कनेक्ट करते हो। देन उसके बाद मैं बता दूँ इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको जो निट्स मिल जाते हैं ब्राइटनेस लेवल के, वो मिलेंगे आपको 1000, ठीक है, 1000 टू 1500 तक का आपको इसमें ब्राइटनेस लेवल मिल जाएगा। तो ब्राइटनेस लेवल इसमें काफ़ी अच्छा है, और HDR इसमें 10-bit पैनल यूज़ कर रही है, तो इसमें कलर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, 100% कलर वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी कमाल का है। थोड़ा सा है कि इसमें मिसिंग हो गया, मिसिंग ये हो गया कि इस पैनल का जो रेफ्रेश रेट है, यानी कि जो मोशन फ्लो है, वो मात्र 60Hz पैनल यूज़ कर रही है इसमें। तो रेफ्रेश रेट इसमें 100Hz होना चाहिए, बिकॉज 43 इंच के साइज़ है, बड़ा स्क्रीन है, 43 इंच का टीवी है, प्रीमियम सेगमेंट है, तो इतना होना चाहिए। अब बात कर लें साउंड का, तो साउंड जो इस पे है वो टोटल 60W प्रोवाइड कर रही है टीवी। तो साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फील होगा, बिकॉज़ आप जो देख रहे हो ना, वो जो नीचे का जो स्टैंड था, यानी कि जब वर्टिकल हो रहा है स्क्रीन, उसके बाद भी बच रहा है, हॉरिजेंटल भी हो रहा है, तो भी वो जो बच रहा नीचे का स्टैंड, तो ऐसा नहीं है वो स्टैंड सिर्फ स्टैंड का काम करता है, उस स्टैंड के अंदर आपको 60W के स्पीकर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो साउंड आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, और आपको एडिशनल साउंड रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस टीवी में। तो कंप्लीट पैकेज काफ़ी अच्छा है। अब मैं बात कर लूँ इस टीवी की प्राइस का, प्राइस में बात कर लूँ, ये टीवी आ रहा है 1,14,000, यानी कि 1,14,000 रुपये में इन्होंने लॉन्च किया है। बट अभी लॉकडाउन के कारण अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आई विश लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तब मार्केट में मिल जाएगा धीरे धीरे, देन उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस है बेटा। बट अभी जो फ़िलहाल प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया, 1,14,000 में ये टीवी आ रही है। तो टीवी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट दें। तब तक के लिए धन्यवाद।